आज के इस वीडियो में हम इंस्टाग्राम कमेंट सेक्शन के कुछ पॉपुलर बिलीव्स को पकड़ेंगे और समझेंगे कि वो मिथ्स हैं या फिर फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आर गर्ल्स डिस्ट्रॉइंग अवर इंडियन कल्चर? सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा भारतीय सभ्यता है क्या। अगर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन जो कि मोहनजोदड़ो सभ्यता है उससे लेकर गुप्ता राज्य मौर्य राज तक की कल्चर देखें तो हमें पता चलेगा कि लोअर बॉडी के लिए हम कॉटन से बने हुए धोती या फिर वैसे कपड़ों का इस्तेमाल करते थे और अपर बॉडी के लिए हम शॉल या गहने का इस्तेमाल करते थे। इंडियन कल्चर में धोती साड़ी के आने से पहले से भी थी, जिसे हड़प्पन सभ्यता में देखा गया है मैनुस्क्रिप्ट वगैरह में। और ये बाहर का इन्फ्लुएंस मुगल इन्वेशन के बाद शुरू हुआ, जब शेरवानी चूड़ीदार जैसे कपड़े हमारे इंडियन मार्केट में इंट्रोड्यूस हुई। फिर उसके बाद ब्रिटिश एरा में वेस्टर्न फॉर्मल्स जैसे कि पैंट्स और कोट्स। अब आप आजकल की लड़कियों को जीन्स वगैरह के साथ साड़ी या फिर ट्रेडिशनल में भी देख लोगे, कोई भी फेस्टिवल, कोई भी फंक्शन या फिर कोई भी गेट टुगेदर जैसा कुछ भी हुआ। तो सच सच बताओ, अभी इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हो, मुझे एक लड़का क्या गिना सकते हो जो अभी धोती में बैठा हुआ है आसपास? और अपने जनरेशन की बात कर रहा हूँ, जेठालाल का नहीं। और ड्रेस सिचुएशन डिपेंडेंट एक सब्जेक्ट है। जो आर्मी में है उनकी अलग यूनिफॉर्म है, आप जब खेत में काम करोगे आप शेरवानी नहीं पहनोगे। लेकिन सेक्सुअल स्टिमुलेशन का क्या करें, ये जीवित प्राणियों के जेनेटिक्स में है रिप्रोड्यूस करना। इसलिए जब भी हमें कोई सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स दिखता है, ये हमारे बेसिक नेचर में है उसको देखकर स्टिमुलेट होना। लेकिन हम इंसान हैं, जानवर नहीं। इंसानों के केस में बात अलग है, इंसानों के पास दिमाग है, उनके पास सोचने समझने की शक्ति है। अच्छा, अगर कोई रैंडम बंदा आपको ज़ोर से थप्पड़ मार दे, आप ऑफिस में काम कर रहे हो, या फिर मान लो आप स्कूल स्टूडेंट हो, स्कूल जा रहे हो, या फिर अपने बैचलर दोस्तों के साथ गोवा पार्टी में हो, एक बंदा आया और आपको थप्पड़ मार के चला गया, वेट, अब बताओ इसमें गलती किसकी है? ऑब्वियसली आपकी। अरे आपने कोई मंकी कैप नहीं पहना था। अब आपके मुलायम गालों को देखकर किसका मन हो ही सकता है आपको थप्पड़ मारने का, इसमें उसकी क्या गलती? और आप ना भी नहीं बोल सकते, अरे आप ही ने तो अपने गाल खुले रखकर उसको इन्वाइट किया था आपको थप्पड़ मारने के लिए, वरना उससे ये इंटीमेशन क्यों होता? क्या मतलब ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा ही तो हो रहा है। आप ही ने तो कहा था कि लड़कियों ने इन्वाइट किया होगा। अगर आप कहीं जा रहे हो, कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो, कुछ खा रहे हो, कुछ पहन रहे हो, क्या आप वो खुद के लिए कर रहे हो या फिर किसी और को दिखाने के लिए कर रहे हो, किसी और को इनवाइट करने के लिए कर रहे हो? आप खुद के लिए कर रहे हो ना। आपको खुद को मौज चाहिए, आपको खुद को रिक्रिएशन चाहिए, जो कि हमारी बेसिक ह्यूमन नीड है। तो कोई और भी तो उसी के लिए कर रहा है, कोई और पैसा क्यों खर्च करेगा आपके लिए? हम इंसान इतने स्वार्थी है कि हम सिर्फ खुद का देखते हैं, दूसरों के लिए कुछ नहीं करते। और तुम सोचते हो कि कोई पैसा खर्च करके कुछ पहनेगा, वो भी तुम्हारे लिए? सच में, खासकर वो जो तुम्हें जानती तक नहीं है। दारू पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, चरित्र के लिए नहीं। कोई क्या खाएगा, कोई क्या पहनेगा, वो उसकी चॉइस है। आपको पसंद नहीं है वो चीज़, मत पहनो। हमारी भारतीय सभ्यता वो इतनी गौरवशाली है कि किसी के कुछ पहनने या कुछ और खाने से वो कम नहीं होगी। हमारी सभ्यता इतनी वृहत है, इतनी फैली हुई है, इतनी विकसित है, इतनी समृद्धशाली है। और भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति हर तरह के सोच विचार को मर्यादा देती है। तुम ये मत पहनो, तुम ये मत करो, तुम मुझसे कम हो, ये बाहर का कल्चर है। अब बाकी चॉइस आपकी। किसी को नीचा दिखा के कोई और विदेशी कल्चर फॉलो करोगे, या फिर हर एक के चॉइस को सम्मान करते हुए, खुद के चॉइस को सर्वोपरि न समझते हुए एक और बार विचार करोगे कि क्या सच में कोई इतना हेट डिजर्व करता है? क्या सच में हमारी आधी पॉपुलेशन, हमारी एक पूरी जेंडर इतनी नफरत डिजर्व करती है? क्या वो इतनी बुरी है? क्या हमें उनके साथ सच में प्रतियोगिता करने की ज़रूरत है? क्या हमें इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया या फिर कहीं भी हो, हमें जो भी लड़की दिखे उसके पोस्ट के नीचे क्या हमें बुरा भला कहने की ज़रूरत है? अरे तुम्हें पता नहीं उसने ये कर दिया, ये देखो फेक केसेस, ये देखो ये केस। हाँ होता है, लेकिन कितनी पॉजिटिव बातें भी तो होती हैं। हमें क्यों नफरत करनी है? क्या सच में हमें वो इतनी बुरी बातें कहने की ज़रूरत है किसी को? चाहे कोई भी हो गया, चाहे वो कुछ, चाहे उसने कुछ भी पहना हो, चाहे उसने कुछ भी अपना चॉइस अपनाया हो, चाहे उसको उसका खाने का चॉइस, पहनने का चॉइस कुछ भी हो, क्या हमें उसके लिए उसको नफरत करने की ज़रूरत है? क्या सच में ज़रूरत है?